और ये देखो महान इंसान, महान इंसान हमारा कॉल नहीं उठाते। और अपने गाड़ी का आवाज कैसे आ रहा है मुझे बताना, कमेंट करके बताना। ओ भाई ऐसे मत कर। आप चेक कर सकते हो और स्वागत है आपका इस मेरे नए वीडियो में। एज यू कैन सी अपने साथ नया बाइकर है और अपने साथ है डेविल भाई और वहाँ पे एक अपना एक राइडर भाई है जो वहाँ से आ रहा है। और ये सब लोग हैं हैदराबाद से, अपने को रैंडमली मिल गए और हम भी आज कुछ नया वीडियो बनाने जाने वाले थे बट अपने को ये लोग मिल गए तो आज अपन इनको घुमाने वाले अपना नांदेड़। तो सो हेयर वी आर इन गुरुद्वारा साइड, तो इनको गुरुद्वारा घुमाते हैं। तो चलते गुरुद्वारे के अंदर। एज यू कैन सी हम गुरुद्वारे के अंदर हैं, दर्शन हो गए अपने गुरुद्वारे के अंदर। बस क्या है ना, हम वो वाले गेट से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सख्त मना है, बट ऐसे तैसे मैनेज करके हम साइड में आके रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट हमारा आज कुछ दूसरा प्लान था वीडियो बनाने का, डेविल भाई भी मेरे साथ में ही है। सो ये दोनों वो है राइडर्स जो आए थे अपने को रैंडमली मिले थे। डेविल भाई इधर है तो मैं घुमा नहीं सकता तो आज थोड़ा सा प्लान करते हैं, जाते हैं किधर और अपने नांदेड़ के स्पॉट्स दिखाते हैं इन दोनों भाइयों को। मैंने मतलब अपने मोटो राइडर को भी मैंने कॉल किया था, वो भी आ जाएगा, वो भी अपने को ज्वाइन करेगा। तो यहाँ से चलते हैं, उनको थोड़ा सा लंगर साहिब की तरफ लेके जाते हैं और फिर आप नज़ारा देखो। एज यू कैन सी अपन ने हेलमेट और बैग सब लिए, अपन अभी गुरुद्वारा के बाहर है। सो मोटो राइडर अपना वेट कर रहे पी वी आर के पास। आप चेक कर सकते हो हेलमेट्स हेलमेट्स बैग्स। तो पी वी आर के पास जाएंगे, वहाँ से अपने को ज्वाइन करने वाले मोटो राइडर भैया और वहाँ से हम जाएंगे विष्णुपुर के डैम के पास। अब यहाँ से शूज़ वगैरह लेंगे और आप ये शॉप्स देख सकते हो गुरुद्वारे के बाहर के। तो यहाँ से चलते हैं, मोटो राइडर को मिलते हैं। Here we are in D-Mart guys। अभी मोटो राइडर आने वाला है, वो अभी आएगा, उसका वेट कर रहे थे हम यहाँ पे। वो अंदर ही बैठा था तब से, हम यहाँ पे आए तो बहुत धूप हो रही है जैसे कि आप देख सकते हो, लिटरली दैट्स टू मच गाइस। पता नहीं है कब आएगा। और ये दो राइडर को जाना है शायद से, ये लोग हैदराबाद से आए थे, लाइक इनको हैदराबाद पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी तो ये बोल रहे थे कुछ खा के निकलते ही है अभी हमें। और ये देखो महान इंसान, महान इंसान हमारा कॉल नहीं उठाते। अरे गाड़ी पे कहाँ से आवाज आएंगे और ऊपर से साइलेंट हो। अब जान दे, अब मैं बोल देता, अब यहाँ पे मेरे को, अब यहाँ पे मेरे को बहुत कुछ आ रहा है बोलने के लिए बट मैं जान दो बोल रहा। अभी मेरा भाई है यहाँ पे, मैं वो गाना लगाता ता वो जो रोमांटिक मूवीज का गाना भी बजता वो लगाता। अच्छा ठीक है, आप इनको थोड़ा सा होटल में लेके जाना है, नॉन वेज कहाँ मिलता है इधर? अच्छा खान बोल के कहाँ, सिडको साइड है कि कहाँ है? विष्णुपुरी साइड है। ठीक है ओके, चलो चलते हैं इधर से। रुक मैं थोड़ा सा सेटअप बना लूँ अब मेरे। अभी डेविल भाई अपने को लीड करेंगे, यहाँ से अपन चलेंगे कुछ लंच करने। अभी अपन पी वी आर से निकले हैं। वो क्या है ना गाइस, गुरुद्वारे में शूट करने को नहीं जमता यार, कुछ भी हो मतलब वो गुरुद्वारे में के जो लोग होते हैं वो शूट करने नहीं देते, वैसे तो मोस्टली तो करने ही नहीं देते। बट अभी अपन वो ब्रिज की तरफ जा रहे थे बट ये भाई लोगों ने कहा कि भाई बहुत भूख लगा है, कुछ खाते और निकलते इधर से। तो मैंने भी कुछ ज़्यादा बोला नहीं उन लोगों को, बोला भाई ठीक है चलो, आप पहले से ही वो दूर से आए हो तो भूखा पेट राइड नहीं करना चाहिए, क्या है ना वो दिमाग काम नहीं करता, अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो गाड़ी ठुक जाएगी, क्या है ना हाथों पैरों पे कंट्रोल नहीं रहता। अगर बॉडी में पावर रहेगी तभी तो राइड कर पाएंगे ना गाइस। और अपने गाड़ी का आवाज़ कैसे आ रहा है मुझे बताना, कमेंट करके बताना।
आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, आ जाएंगे। खाना सजाना यहाँ पे लेके आया ये। अगर डेविल अबे नवा नहीं कर रहा है, 250 है। वी आर डन विथ आवर खाना पीना। आप हमारे गेस्ट देख सकते हो और ये दोनों निकल रहे हैं अभी हैदराबाद के लिए, क्योंकि हैदराबाद के अंदर लाइक पहुँचते पहुँचते इनको 6-7 बजेंगे। और हाँ, ये लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि 6-7 बजे बहुत ट्रैफिक होता है हैदराबाद में, तो ये जल्दी जाना चाहते हैं। सो लेट इट बी गाइस, इनको जाने देते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम ये लोग आएंगे तो अपन अच्छे से घूमेंगे। और मैं एक इसको दिखाने वाला था बट इसका स्माइल देख रहा हूँ घंटे की। तो बाहर मिलते हैं गाइस, अंदर बहुत आवाज आ रही है, बाहर मिलते हैं। हाँ गाइस, लुक एट माय बाइक। तो अभी ये लोग चलेंगे हैदराबाद की तरफ। भाई की 310R देखो भाई, आराम से जाना, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलेंगे वापस। ओके डन, हैदराबाद जरूर आएंगे हम। भाई की बाइक देखना, 310R, 310RR, इसका सही है गाइस। मैं आपको पूरा वॉक अराउंड देता हूँ गाड़ी का, चेक दिस आउट गाइस। और इनका सब कुछ हो जाने के बाद ये निकलेंगे हैदराबाद की तरफ। तो अपन विश करते हैं ये दोनों आराम से हैदराबाद पहुँच जाए और सेफली घर चले जाए। रैंडमली लोग ऐसे मिलता रहते हैं, अच्छा लगता है। और ये भाई लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अपने साथ कि राइडिंग गेयर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके एक ग्रुप के बंदे का एक्सीडेंट ऐसे हुआ था, मतलब राइडिंग गेयर की वजह से वो बच गया है, बट जो ठुका है ना उसकी बहुत हालत ख़राब हुई है। लिटरली वो कमर के नीचे से पैरलाइज हुआ, ऐसा अपने भाई ने कहा, अपने विनीत भाई ने। और अपना विक्टर भाई जो आसाम से है, ये अपना डेविल, इसको तो आप पहचानते हो। और ये आपने मोटो राइडर भैया जो आज अपना हेलमेट नहीं लाया है, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? डन भाई, आराम से जाओ, ठीक है? नेक्स्ट टाइम हैदराबाद जरूर आएंगे, हैदराबाद में मिलेंगे भाई, ठीक है? लास्ट फीलिंग गाइस, ये गाड़ी चलाना पड़ेगा। गाड़ी जितनी छोटी है वगैरह, छोटा रैकेट बड़ा धमाका है गाड़ी। चलो भाई आराम से जाओ, ठीक है? डन भाई। अरे अरे ब्रदर, कोई ना, बस अरे आराम से जाओ बस, ठीक है? मैं तुमको मैसेज डालता हूँ। ये निकले अपने दोनों भाई हैदराबाद की तरफ और अपन भी चलेंगे अपने घर की तरफ। टिल देन राइड सेफ एंड पीस आउट गाइस।